प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी दोनों। चलिए अदिति नायर जी को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। अदिति जी, गुड मॉर्निंग। आपकी बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट में? इस समय कंसेंसस है कि शायद 25 से 35 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक आ सकती है, तो एक तो उस पर व्यू दीजिए, आपका क्या व्यू है, और दूसरा किस तरीके की कमेंट्री आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नर से? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा भी यही व्यू है कि 35 बेसिस पॉइंट्स का आज रेट हाइक होना चाहिए और उसके साथ साथ जो कमेंट्री है वो थोड़ी डविश होनी चाहिए। अगला जो रेट डिसीजन है उसका क्लियरली डेटा डिपेंडेंट टोन आना चाहिए आज के पॉलिसी स्टेटमेंट में, क्योंकि इन्फ्लेशन घट रही है, अभी भी 6% के ऊपर है लेकिन घट रही है, और आने वाले 3-4 रेट्स में डेफिनेटली 6% के नीचे आ जाएगी। ग्रोथ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, स्पेशली एक्सटर्नल सेक्टर का कितनी जल्दी और कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा इंडियन ग्रोथ पे, ये एक बहुत ही अनसर्टेन फैक्टर है अभी। इसलिए मेरे हिसाब से डेफिनेटली जो क्वांटम है रेट हाइक का, वो पिछले 3 बार के 50 बेसिस पॉइंट से स्टेप डाउन होके 35 बेसिस पॉइंट पे होना चाहिए और आगे जाके एक डेटा डिपेंडेंट टोन आनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा थी जी, मैं यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन टर्मिनल रेट की क्या है? आपको कहाँ से लगता है कि ये जो पूरी रेट हाइक की प्रोसेस है जो वो एक पॉज दे सकती है? ऑल दो यू सेड दैट दिस एंटायर प्रोसेस इज डेटा डिपेंडेंट, बट स्टिल एक फील जो आता है कि टॉप आउट ये ब्याज दरें कहाँ होंगी, आपका आपकी धारणा क्या कहती है और कब तक? मेरे हिसाब से अगर आज 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हो जाता है तो वो आखिरी भी हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगले कुछ महीनों के अंदर इन्फ्लेशन कम से कम अपर थ्रेशोल्ड के नीचे टॉलरेंस बैंड आ जाएगी। और ग्रोथ का, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बहुत खराब थी Q2 में, और Q3 के भी जो अर्ली इंडिकेशन आ रहे हैं वो बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन एक तो एक्सटर्नल सेक्टर का कंसर्न है, अभी हमें नहीं पता कि कितना ज्यादा हिट आगे आके आएगा। और दूसरी बात, अगर हम ये दो पीरियड्स की बात करें, H2 इस साल का और H2 अगले साल का, जिनमें ज्यादा बेस इफेक्ट्स नहीं है, वहां पे हम सिर्फ 5% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये जो पोटेंशियल GDP ग्रोथ रेट है उससे कम है। तो इस सिचुएशन में मेरे हिसाब से 625, जो अगर आज 35 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो जाता है और हम 625 पे आ जाते हैं, तो अनलेस देयर इज एन इन्फ्लेशन नेगेटिव सरप्राइज ऑन इन्फ्लेशन गोइंग अहेड, मेरे हिसाब से 625 का भी टर्मिनल रेट वॉरंटेड ही होगा। उससे ज्यादा ऊपर जाना नेसेसरी नहीं है, ग्रोथ सैक्रिफाइस को अवॉइड करना भी आगे जाके ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। चलिए, तो अगर 35 बेसिस पॉइंट आ गई तो हम टर्मिनल रेट शायद हिट भी कर दें, ये एक व्यू बन रहा है। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। एक मार्केट क्या एज्यूम करके चल रहा है? हम टर्मिनल रेट के काफी करीब हैं, आज की पॉलिसी एक ये इंडिकेट कर सकती है या अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा? देखिए, मार्केट 35 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रही है, मगर मेरे ख्याल में ये 50 भी हो सकता है। थोड़ा कॉन्ट्रेरी व्यू है मेरा, मैं कारण बताता हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए रेट पॉलिसी इंडिया में इफेक्टिव नहीं है। आपने देखा है इतने रेट है के बावजूद इन्फ्लेशन 6 से नीचे गिर नहीं रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन ज्यादा है, जैसे फूड का 48% है, तेल और क्रूड उसके और 15% जोड़ लीजिए। तो RBI ने इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को करेंसी मैनेज करने के लिए किया है इतने महीनों से, और उसमें वो सफल रहे हैं। अब देखिए कि माहौल ऐसा है कि US में अगर रेट हाइक हो रहा है तो वो डिफरेंस हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है, नहीं तो रुपी वीकन होगी, इसलिए US की रेट हाइक के साथ हमारी रेट हाइक भी हाथ हाथ चल रही है। अब US में और भी 50 या 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक की बात चल रही है, तो RBI के हाथ में ये शायद लास्ट मौका होगा रेट हाइक करके करेंसी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर वाली इन्फ्लेशन डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि रबी क्रॉप की सोइंग भी अच्छी हुई है, मानसून का फोरकास्ट अच्छा रहा था। तो उस हालत में अप्रैल मई जून में 6 से नीचे, RBI ने पिछले दो पॉलिसीज में उन्होंने बताया कि अप्रैल मई जून में 6 के नीचे 5-5.5 के आसपास इन्फ्लेशन आएगी, तब उनके पास रेट हाइक करने का एक चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि 4-6 उनका बैंड होता है। तो उस हिसाब से ये शायद लास्ट रेट हाइक होगा, तो शायद थोड़ा ज्यादा करके थोड़ा एम्युनिशन
थोड़ा गन पाउडर हाथ में रख के करेंसी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि यूएस में और 50-75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा तब शायद इंडिया में माहौल इन्फ्लेशन कम घट रही होगी तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में करेंसी रिजर्व्स के ऊपर थोड़ा फिर दबाव कम होगा क्योंकि रेट हाइक का उन्होंने प्रॉपर इस्तेमाल किया। तो ये मेरी व्यू है कि थोड़ा 50 भी हो सकता है, मार्केट को पसंद नहीं होगा ये मैं साफ कह देता हूँ, मार्केट को 35 ही कंसेंसस की एस्टिमेट है उसी हिसाब से चल रहे हैं, मगर मेरी मेरे ख्याल है कि लास्ट रेट हाइक होगा ये, तो थोड़ा ज्यादा करना भी अच्छा होगा एक करेंसी मैनेजमेंट के तौर से अगर देखा जाए तो। ओके आदित्य जी, आपका इस पॉइंट पे जो सुनील जी ने छेड़ा कि शायद वो अपने एमिनेशंस को थोड़ा और मतलब एग्रेसिवली होके इस्तेमाल करें, 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक के लिए जाएं, क्योंकि ये इसमें तो कोई राय नहीं है, हम सबके बिलीफ के थोड़ा सा ऊपर ही रुपी का अगर आप देखें परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी ख़राब रहा है। और आप पिछले 1 महीने में देखिए जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स रिट्रेस हुआ है उसके बावजूद रुपी का ये हॉरर शो कंटिन्यू है। तो इस पर आपका तर्क जो सुनील जी ने बात कही कि माइट बी ही विल गो फॉर लिटिल बिट हायर, आई मीन 50 बेसिस रेट हाइक। नहीं, मेरे हिसाब से जो सुनील जी कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप फ्रंट लोड करके खत्म करें रेट हाइक का साइकिल, और फिर उस सिचुएशन में एक ज्यादा क्लियर सिग्नल शायद एमपीसी को देना पड़ेगा कि ये फाइनल रेट हाइक है और आगे जाके और ज्यादा रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन नहीं है अगेन अनलेस देयर इज अ वेरी नेगेटिव सरप्राइज ऑन इन्फ्लेशन। करेंसी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले 2-3 महीने में बहुत ही ज्यादा वॉलिटिलिटी देखी है। जब डॉलर इंडेक्स 114 115 पे था, हमारा ऑल टाइम लो हमने हिट किया रुपी के लिए, और जैसे ही डॉलर इंडेक्स रिट्रेस हुआ हमारा दो चीजें हुई, एक तो रुपी में काफी स्ट्रेंथनिंग हुई और दूसरा अगर आप देखें पिछले 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी $25 बिलियन के आसपास के रिकूप हो गए हैं। पिछली बार पॉलिसी के टाइम गवर्नर ने कहा था कि जो सितंबर की पॉलिसी में उन्होंने कहा था कि जो अभी तक हमने देखा है फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट उसका 2/3 के हिसाब रिवैल्यूएशन और ऐसे वाले इफेक्ट्स की वजह से है, ना कि सिर्फ इंटरवेंशन की वजह से। तो अब हम इसका फ्लिप साइड देख रहे हैं, एकदम से $25 बिलियन के रिजर्व रिकूप भी हुए हैं पिछले 2-3 दिन में। यस, सडनली एक नई गिरावट हमने रुपी में देखी है, लेकिन मेरे हिसाब से दो चीजें हैं। एक तो एमपीसी का जो प्राइमरी टारगेट है वो इन्फ्लेशन है, उसके बाद ग्रोथ है, और करेंसी मैनेजमेंट एमपीसी के लिए एक सेंट्रल चीज नहीं है टू दी एक्सटेंट कि वो इन्फ्लेशन के अंदर नहीं आती। सो प्योरली करेंसी मैनेजमेंट एमपीसी का मैंडेट नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से हम वॉलिटिलिटी देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में भी और रुपी में भी, मुझे नहीं लगता कि हमें नेसेसरीली बार बार रेट हाई करते जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के रिवर्सल भी हुआ था रुपी में, हमने देखा कि 81 के नीचे भी आ गया था। तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स मे नॉट बी द बेस्ट वे टू एड्रेस दिस सॉर्ट ऑफ वॉलिटिलिटी। आरबीआई के पास और बहुत टूल्स हैं उसको मैनेज करने के लिए, और मुझे लगता है कि वो टूल्स बेटर हैं करेंसी मैनेजमेंट के लिए, ना कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ओके चलिए, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है। अच्छा सुनील जी, तो फिर एक बात बताइए, ये जो अभी रेट सेंसिटिव जिसे हम बोलते हैं, जैसे बैंक्स हैं या इवन ऑटोज़ हैं, रियल एस्टेट है, वहाँ पर इन्वेस्टर्स की अब क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्योंकि एक स्पेशली बैंक्स में एक हमने नोटिस किया कि जब भी वो रेट साइकिल पीक या बॉटम होती है तो एक उनका एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है वहाँ पर। अब यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए, बैंक्स में क्या हो गया कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड बहुत बदलाव है। हिस्टोरिकली बैंक्स में क्या होता है कि क्योंकि उनका ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होता था तो रेट हाइक उनके लिए एक खराब चीज होती थी, पर कोविड के टाइम में क्या हुआ, लो इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा के उन्होंने लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट डिपॉजिट्स या फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स उन्होंने उठा लिया और अपना जो लाइबिलिटी साइड है उनको फिक्स कर दिया। तो अब जो रेट हाइक होता है वो आसानी से पास ऑन कर पा रहे हैं बिकॉज लेंडिंग बुक को ज्यादातर फ्लोटिंग में कर दिया। हाउसिंग लोन्स फ्लोटिंग रेट में है, आपको कॉर्पोरेट लोन्स, टर्म लोन्स या वर्किंग कैपिटल सब फ्लोटिंग रेट में आते हैं। तो इस हिसाब से कुछ भी रेट हाइक हो, आपने देखा कि पिछले आरबीआई के रेट हाइक में उन्होंने डिपॉजिट्स में खाली 30-35 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है, मगर न्यू लोन्स पे उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट्स रेट को बढ़ा दिया। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन
मार्जिन उनकी बहुत वाइडन हुई है, तो वही प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। अगर रेट है उम्मीद से ज्यादा भी आता है तो शायद बैंक्स को लिए अच्छी चीज है, और ऑटो में थोड़ा नेगेटिव होगा क्योंकि ईएमआईज बढ़ जाएंगे क्योंकि बैंक्स रेट पास ऑन करेंगे। बट आज की माहौल है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है ऑटोज के लिए, इनफैक्ट वेटिंग पीरियड है ऑटोज के लिए, तो मेरे ख्याल में डिमांड को ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। तो रेट सेंसिटिव्स के ऊपर इस बार पॉलिसी का इंपैक्ट उतना जोरदार मैं नहीं देख रहा हूं, बिकॉज हाउसिंग लोन में भी देखा है 100-150 बेसिस पॉइंट्स राइज के बावजूद आप हाउसिंग लोन का डिमांड, न्यू लॉन्चेस, न्यू सेल्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज हम उस लेवल पे है जहां पे एक 25 साल के टाइम फ्रेम में एक हाउस प्रॉपर्टी बाय एनुअल इनकम लोएस्ट लेवल पे है, अफोर्डेबिलिटी हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा बहुत ईएमआई में बढ़त के कारण मैं हाउसिंग में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देख रहा हूं। सिमिलरली इन द केस ऑफ ऑटो, तो इस बार रेट सेंसिटिव्स का पॉजिटिव फॉर द बैंक्स, मगर ऑटो और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में उतना नेगेटिव मैं नहीं सोच रहा हूं कि कुछ असर आएगा। ओके okay.